हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? बच्चों, आज हम कक्षा 2 हिंदी व्याकरण पाठ 5, पाठ का नाम है संज्ञा, इस पाठ के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो आओ बच्चों, मेले की सैर करें। देखिए बच्चों, यहाँ पे यह जो है चित्र में दिखाई दे रहा है, हमें मेला लगा हुआ है। इस मेले में कई सारे हमें खिलौने दिखाई दे रहे हैं, गुड़ियाँ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे जोकर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे सर्कस वाले दिखाई दे रहे हैं, उनका तंबू दिखाई दे रहा है, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, तो यह मेले में घूमने आए हैं बच्चे। क्या करने आए हैं? घूमने आए हैं। हम भी बच्चों मेले में घूमने जाते हैं ना, कभी कभी हम भी पिकनिक जाते हैं, तो पिकनिक में हमें कई सारे वस्तुओं दिखाई देते हैं, खिलौने वाले दिखाई देते हैं, मिठाइयों की दुकान दिखाई देते हैं, उन सभी का क्या नाम रहता है ना बच्चों? और हमें कोई पूछता है कि बच्चों आपने घूम लिया मेले में, आप पिकनिक में गए थे तो आपने क्या क्या ख़रीदा, तो आप क्या कहते हो? उन जो भी चीज़ें खरीदे उन चीज़ों के नाम बोलते हो ना। तो उसी तरह आज हम इस पाठ में भी वही पढ़ाई करेंगे, जो मेले में हम जाते हैं, घूमते हैं, खरीदते हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ पे उनके पापा कहते हैं, हाँ तो मेले में घूम लिया आप, वहाँ आपने क्या क्या देखा, क्या क्या खरीदा, बताओ, सबके कुछ ना कुछ तो नाम अवश्य होंगे ना, ऐसे कहते हैं। तो बच्चे क्या कहते हैं, उनका सबका स्थान रहता है, व्यक्तियों के नाम रहते हैं, वस्तुओं के नाम रहते हैं, तो इनमें से कुछ ना कुछ नाम स्थान है, कुछ नाम है व्यक्तियों के और कुछ नाम है वस्तुओं के। जैसे यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे व्यक्तियों के नाम है, यहाँ पे देखिए यह किसके नाम है बच्चों, यह व्यक्तियों के नाम है, यहाँ पे स्थानों के नाम है, यहाँ पे वस्तुओं के नाम है। तो आइए बच्चों, हम व्यक्तियों के नाम, स्थानों के नाम और वस्तुओं के नाम के बारे में पढ़ाई करें। यहाँ पे व्यक्तियों के नाम के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ पे लड़का, लड़की, आदमी, औरत, जोकर, दुकानदार, यह कहाँ पे दिखाई देते हैं हमें? मेले में दिखाई देते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा बच्चों, यहाँ पे यह व्यक्तियों के नाम हुए, यह किसके नाम हुए? यह व्यक्तियों के नाम हुए। अभी हमें स्थानों के बारे में पढ़ाई करने हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये स्थानों के नाम, यहाँ पे स्थानों के नाम में हम कहाँ पे मेला, दुकान, यह स्थानों के नाम हुए, यह क्या हुए? स्थानों के नाम हुए। अभी हमें पढ़ाई करने हैं वस्तुओं के नाम। अभी किसके बारे में पढ़ाई करने हैं? वस्तुओं के नाम के बारे में पढ़ाई करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे वस्तुओं के नाम है, जैसे कि यहाँ पे वस्तुओं के नाम है खिलौने, आतिशबाजी, मिठाई, आइसक्रीम, झूला, गुब्बारे, यह वस्तुओं के नाम है। तो इन सभी के क्या, व्यक्तियों के नाम, स्थानों के नाम, वस्तुओं के नाम रखे गए। तो यहाँ पे देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा किसे कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव को नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो आगे देखिए बच्चों, नाम कई तरह होते हैं। आइए कुछ अन्य संज्ञा शब्दों के नाम के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे पहले जो दिया है, यहाँ पे व्यक्तियों के नाम, किसका? व्यक्तियों के नाम। यहाँ पे देखिए व्यक्तियों के नाम है, यहाँ पे हमें कौन दिखाई दे रही है? नानी। तो यहाँ पे नानी लिखा हुआ है, यहाँ पे व्यक्तियों के नाम है, यहाँ पे क्या है? व्यक्तियों के नाम है। यहाँ पे हमें कौन दिखाई दे रहा है? नानी। कौन दिखाई दे रहा है? नानी, इसका भी एक नाम है। यहाँ पे एक लड़की दिखाई दे रही है, उस लड़की का नाम क्या है? अक्षिता। उस लड़की का नाम क्या है? अक्षिता। यहाँ पे एक लड़का दिखाई दे रहा है, तो यह इस लड़के का नाम क्या है? संभव। लड़के का नाम क्या है? संभव।
तो यह औरत है, यह लड़की है, यह लड़का है, इन सभी के नाम है। तो यह किसके नाम रखे गए हैं? व्यक्तियों के नाम रखे गए हैं। किसके नाम रखे गए हैं? व्यक्तियों के नाम रखे गए हैं। तो जैसे कि हमारे जो मामा है, मामी है, काका है, काकी है, उनके भी क्या रखे जाते हैं? नाम रखे जाते हैं। तो उसी तरह अभी हमें देखना है आगे वस्तुओं के नाम, किसके बारे में? वस्तुओं के नाम के बारे में पढ़ाई करनी है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे घड़ियाल है, यहाँ पे टेलीफोन है, यहाँ पे बस्ता है। तो यह जो हम हाथ में बांध कर रखते हैं उसे क्या कहते हैं? घड़ी कहते हैं। इसका भी क्या नाम है? इसका भी एक नाम रखा है। टेलीफोन जो हमारे घर में रहता है, हम जो मोबाइल रहता है उसको, वो मोबाइल फ़ोन रहता है घर में रहता है उसको तो टेलीफोन कहते हैं। जो हम स्कूल में जाते हैं और पीठ पर लाद कर लेके जाते हैं उसे क्या कहते हैं? बस्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? बस्ता कहते हैं। तो इन वस्तुओं के क्या नाम रखे गए हैं? तो इसके अलावा जैसे कि किताब है, किताब का भी नाम रखा गया है। जैसे क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड का भी नाम रखा जाता है। तो इसी तरह वस्तुओं के क्या हम नाम रखते हैं। आइए बच्चों, हम अभी आगे पढ़ाई करते हैं जगहों के नाम। जैसे यहाँ पे यह क्या है? जगहों के नाम। जैसे यहाँ पे देखिए बच्चों, चित्र में दिखाई दे रहा है कुतुब मीनार, यहाँ पे पाठशाला है, यहाँ पे अस्पताल है। तो यहाँ पे कुतुब मीनार, यहाँ पे कुतुब मीनार का नाम लिखा गया है, यहाँ पे पाठशाला का नाम लिखा गया है, यहाँ पे अस्पताल का नाम लिखा गया है। तो यह क्या, यह इनके नाम से हम इनको पहचानते हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि मोटर गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, एरोप्लेन है, ट्रेन है, तो इनका भी क्या एक नाम रखा गया है और उन नामों से हम क्या उनको पहचानते हैं। देखिए बच्चों, अब यह हमें जगहों के नाम के बारे में पढ़ाई की है। जैसे बड़े बड़े शहर है, जैसे मुंबई है, अहमदाबाद है, बेंगलोर है, कोलकाता है, यह शहरों के नाम है। उन शहरों के नामों से हम उनकी पहचान कर सकते हैं। अभी हम आगे देखते हैं बच्चों, आगे हम देखते हैं पशु पक्षियों के नाम। आगे किसके बारे में हमें पढ़ाई करनी है? पशु पक्षियों के नाम के बारे में पढ़ाई की करनी है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे एक लोमड़ी का चित्र दिखाई दे रहा है हमें। किसका चित्र दिखाई दे रहा है? लोमड़ी का चित्र दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कबूतर का चित्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पे खरगोश का चित्र दिखाई दे रहा है। यह पशु पक्षियों के चित्र है। किसके चित्र है? पशु पक्षियों के चित्र है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोमड़ी का चित्र है, यहाँ पे लोमड़ी नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे कबूतर का चित्र दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे कबूतर का नाम लिखा रहा है, दिखाई दे रहा है। यहाँ पे खरगोश का चित्र दिखाई दे, तो यहाँ पे खरगोश का नाम लिखा हुआ है। तो इन सभी को हम उनके नाम से पहचान सकते हैं। तो बच्चों, आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी बच्चों हम आगे पढ़ाई करेंगे। आगे किसके बारे में पढ़ाई करनी है हमें? त्यौहार के बारे में पढ़ाई करनी है। त्यौहार जो सन है, जो त्यौहार है, बड़े बड़े त्यौहार है हमारे भारत देश में, उसके बारे में हमें पढ़ाई करनी है। तो यहाँ पे यह त्यौहार के नाम है। देखिए बच्चों, यहाँ पे दीपावली का त्यौहार मना रहे हैं बच्चे, यहाँ पे होली का त्यौहार मना रहे हैं बच्चे, यहाँ पे रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं। अभी अभी रक्षाबंधन हमारा भी त्यौहार आया था, वो अभी अभी रक्षाबंधन का त्यौहार चला गया। और रक्षाबंधन के त्यौहार में हमें क्या किया होगा? हमें अपने भाई के कलाई पर क्या बांधी? राखी बांधी। तो इसी तरह यह भारत देश के त्यौहार है। तो यहाँ पे जो दीपावली के दिन हम क्या करते हैं? फटाके फोड़ते हैं। तो कौन सा त्यौहार है? दीपावली का त्यौहार है। कौन सा त्यौहार है? दीपावली का त्यौहार है। जिस दिन हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं वो त्यौहार कौन सा है? होली का त्यौहार है। और भाई के कलाई पर हम क्या बांधते हैं? एक पवित्र धागा बांधते हैं, वो कौन सा त्यौहार है? रक्षाबंधन का त्यौहार है। तो इसी तरह हम यह त्यौहार हमारे भारत देश में मनाते हैं। इसके अलावा हम कई सारे त्यौहार मनाते हैं, जैसे गणेशोत्सव, जन्माष्टमी, जैसे
दशहरा, नवरात्रि, कई सारे त्यौहार हम मनाते हैं। इन त्यौहारों के भी क्या है, नाम रखे गए हैं और उन नामों से हम क्या करते हैं, पहचानते हैं। तो बच्चों, आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखिए बच्चों, आगे है यहाँ पे जैसे दिन है, जैसे दिनों के नाम है, जैसे दिनों के नाम है तो दिनों के नाम के आप सभी को तो पता है, दिनों के नाम जैसे सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, बृहस्पतिवार है, शुक्रवार है, शनिवार है, रविवार है, आदि कई सारे नाम है, दिनों के नाम है। जैसे महीनों के नाम है, महीनों के नाम है तो क्या, कौन कौन से, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये किसके नाम है बच्चों, महीने के नाम है। और नदियों के नाम पूछे गए तो नदियों के नाम कौन कौन से लिखोगे आप, गंगा, यमुना, गोदावरी, सतलुज, नर्मदा, यह नदियों के नाम है। तो यह नदियों के नाम है, इन नदियों के नाम से हम उनको पहचानते हैं। तो बच्चों, यह क्या हुआ है, यह इस संज्ञा जो पाठ है, इस संज्ञा पाठ में हमें किसके बारे में पढ़ाई की, व्यक्तियों के नाम के बारे में पढ़ाई की, उसके बाद किसके बारे में पढ़ाई की, स्थानों के नाम के बारे में पढ़ाई की, वस्तुओं के नाम के बारे में पढ़ाई की और व्यक्तियों के नाम के बारे में भी पढ़ाई की। तो बच्चों, आप सभी को यह संज्ञा जो पाठ है, यह पाठ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।